नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से चूकने के बाद बीजेपी को आज एक बार फिर बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र के 6 जिलों के जिला परिषद चुनाव में पार्टी को 4 जगह करारी हार मिली। बीजेपी संघ के गढ़ नागपुर में भी जिला परिषद हाथ से गंवा बैठी। महाविकास अघाड़ी को 4 जगह जीत हासिल हुई है। नागपुर जिला परिषद में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की खुशी का ठिकाना नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे कद्दावर बीजेपी नेताओं के गढ़ में पार्टी को ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पैतृक गांव धापेवाड़ा में भी बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी धूले में सत्ता में आ गई, पर नागपुर के साथ पालघर जिला परिषद भी गंवा बैठी। क्या बात कर रहे हैं, तो नागपुर थोड़ी हमारी पीछेट हो रही है वहाँ पर, ये बात भी सही है। देखेंगे इसके ऊपर, हम लोग चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि ये हमारा बाले किला है नागपुर, ये हमारा शुरू से हमारी जिला परिषद वहाँ पर थी। महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने नागपुर और पालघर के अलावा वाशिम और नंदुरबार सीट पर भी अपनी सत्ता कायम की। जो भी जीत के आए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को पसंद कर रही है। जिला परिषद चुनाव के नतीजों की तस्वीर कुछ इस तरह रही। नागपुर जिले की 58 सीटों में से कांग्रेस को 30, एनसीपी को 10, शिवसेना को 1 और बीजेपी को 15 सीटें मिली। पालघर की कुल 57 सीटों में से शिवसेना को 18, एनसीपी को 15, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 10 सीटें मिली। पालघर में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वाशिम जिला परिषद की 52 सीटों में से कांग्रेस को 9, एनसीपी को 12, शिवसेना को 6 और बीजेपी को 7 सीटें मिली। नंदुरबार जिला परिषद में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में वापस आई, लेकिन नंदुरबार में बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इसी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी को यहाँ 23, कांग्रेस को 22, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 3 सीटें मिली। धुले के नतीजे कुछ इस तरह रहे कि यहाँ की 56 सीटों में से बीजेपी ने 39, शिवसेना ने 4, कांग्रेस ने 7, एनसीपी ने 3 और निर्दलीय उम्मीदवार भी 3 सीटों पर विजयी हुए। जबकि अकोला सीट पर एक बार फिर प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने तीसरी बार सत्ता हासिल की है। आज तक ब्यूरो। जेएनयू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस की सख्ती के बाद महाराष्ट्र सरकार का नरम रवैया सामने आ रहा है। महाराष्ट्र की गृह मंत्री फ्री कश्मीर का पोस्टर लिए प्रदर्शन में दिखाई दी लड़की को लगभग क्लीन चिट देते दिखे। कल ही पुलिस ने महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मुंबई पुलिस के महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ FIR दायर करने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख महक को क्लीन चिट देते नजर आए। महक मिर्जा जेएनयू हिंसा के खिलाफ मुंबई में हो रहे प्रदर्शन में फ्री कश्मीर का पोस्टर लिए खड़ी थी। महक मिर्जा प्रभु, वो बच्ची ने वहाँ पे एक बैनर डिस्प्ले करी थी फ्री कश्मीर। अभी फ्री कश्मीर का जो बैनर वो डिस्प्ले कर रही थी, उसके पीछे उसका क्या मकसद था कि फिलहाल जो कश्मीर में जो परिस्थिति है, वहाँ पे मोबाइल सेवा नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट चल नहीं रहा है, वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रखा है, ऐसी हालत जो कश्मीर में फिलहाल है, उससे वो फ्रीडम चाहती है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। प्रदर्शन में दिखे फ्री कश्मीर पोस्टर को ही मुद्दा बनाकर धरना दिया और कहा कि जेएनयू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग फिर सक्रिय हो गया है। उनकी सरकार है, उनकी सरकार ने ही FIR दर्ज किया है। हमारे जो खाकी वर्दीधारी है, जो देश के लिए राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, दुर्जनता को रोक लगाने के लिए काम करते हैं, उन्होंने FIR दर्ज किए। ये FIR हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं किए। जेएनयू हिंसा के बाद रविवार रात से ही मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन शुरू हो गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की है, जिस पर मंत्री जितेन नवाट का बयान आया है। विद्यार्थियों पे कोई अन्याय नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करके इसका बीच का रास्ता निकालूंगा।
हमारे विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें पूरी शांतता बरताए हुए थे। जेएनयू में जो वाकया हुआ उसका रिएक्शन पूरे देश में हुआ है, हर जगह प्रोटेस्ट और एजिटेशन शुरू है, मुंबई नहीं मुंबई के महाराष्ट्र में और देश में हर जगह अक्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सभी लोग स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अनलॉफुल असेंबली ये कोई इस इंसिडेंस में लगाने की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस ने बिना अनुमति के सभा और धरना प्रदर्शन करने के लिए 31 लोगों को भी नामजद किया है, जबकि 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।